नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी शुभम मित्तल एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स को नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए? बिल्कुल, आज इस टॉपिक पर बात करेंगे, क्योंकि कई नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़े लोगों के साथ ये समस्या होती है कि वे सोचते हैं कि स्टूडेंट तो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, अगर हम उनको नेटवर्क मार्केटिंग जैसी शानदार इंडस्ट्री के बारे में बताएंगे तो वे मना कर देंगे, या खुद नेटवर्कर को लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में स्टूडेंट का क्या काम है भला। बिल्कुल, आज मैं आपको उन सब कारणों के बारे में बताऊंगा जिससे आपको भी लगेगा कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी है। यूथ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2017 तक हमारे देश में 65 करोड़ लोग ऐसे थे जिनकी उम्र 27 साल से भी कम थी। 2027 तक भारत देश में सबसे बड़ी युवा ताकत होने की संभावना है पूरे विश्व में। 2021 तक 22 करोड़ लोग ऐसे होंगे जिनके पास रोजगार नहीं होगा। भारत में लाखों लोग हर साल एजुकेशन लेकर मार्केट में आ रहे हैं, और एक आंकड़े के मुताबिक 20-30% छात्रों को ही रोजगार मिल पाता है, बाकी 70-80% छात्रों को रोजगार ही नहीं मिलता है। इन 20-30% छात्रों में से भी 10-15% को ही वो जॉब मिलती है जिसकी इन्होंने स्टडी की होती है। अब समस्या ये है कि छात्रों की जॉब भी नहीं लगती है, और साथ साथ में एजुकेशन लोन चुकाने की सिरदर्दी और आ खड़ी होती है सामने। ऐसे में अगर छात्र चाहें तो वो अपनी स्टडी के साथ साथ कुछ ऐसा कर सकते हैं जो कि उनको आने वाले टाइम में हेल्प करे। आइए जानते हैं वो कारण जिनके लिए किसी भी स्टूडेंट को नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए। पहले पॉइंट पे आते हैं। पहला पॉइंट आता है प्रैक्टिकल लाइफ एक्सपीरियंस। क्या आपको पता है कि इंफोसिस के मालिक ने एक बार किसी इंटरव्यू में कहा था कि जो स्टूडेंट उनके पास इंटरव्यू के लिए आते हैं उनमें 94% स्टूडेंट काम करने के लायक ही नहीं होते हैं, क्योंकि उनके पास प्रैक्टिकल लाइफ एक्सपीरियंस ही नहीं होता है, उनके पास केवल थ्योरेटिकल नॉलेज होती है। अगर आपको लाइफ का रियल प्रैक्टिकल लाइफ एक्सपीरियंस लेना है, तो वो भी बिना कुछ कमाए, तो मेरी सलाह है कि आपको भी MLM जरूर ज्वाइन करनी चाहिए और सीख कर काम करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं टाइम मैनेजमेंट एंड सेल्फ डिसिप्लिन। अगर आपको लाइफ में एक अच्छा टाइम मैनेजमेंट, यानी कि अपने आज के पूरे दिन और आने वाले हर दिन के टाइम के एक एक सेकंड को मैनेज करके अगर सही तरीके से यूज करना है, तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री जरूर ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट की नॉलेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है अलग अलग ट्रेनिंग और सेमिनार के माध्यम से। जब आपके अंदर अपने टाइम को सही तरीके से मैनेज करने की कला विकसित हो जाती है, तो आपके अंदर एक सेल्फ डिसिप्लिन भी आ जाता है और आप अपने हर काम को एक अच्छे अनुशासन में कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं लीडरशिप क्वालिटी। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री किसी भी इंसान के अंदर लीडरशिप क्वालिटी को विकसित करने की क्षमता रखती है, क्योंकि इस इंडस्ट्री में आने पर और काम करने के बाद ना चाहते हुए भी आपकी टीम में काफी लोग जुड़ जाते हैं जो कि आपकी जिम्मेदारी होते हैं। यहाँ पर जब आप सेमिनार में या ट्रेनिंग में टीम के लोगों के साथ काम करना सीखते हैं, तो आपके अंदर की लीडरशिप निकलकर सामने आती है, क्योंकि यहाँ पर आप इस बिजनेस को अपना और अपनी टीम के लोगों को अपने साथ का साथी समझकर काम करते हैं, तो आपके अंदर एक एंटरप्रेन्योर की क्वालिटी डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं पीपल मैनेजमेंट स्किल्स। इस इंडस्ट्री में काम करने के बाद आपके अंदर लोगों को मैनेज करके उनके साथ काम करने और उनसे काम करवाने की स्किल्स आपके अंदर डेवलप हो जाएगी, जो कि आपके आने वाले करियर के लिए भी बहुत फायदेमंद रहेगा। क्योंकि अगर आप किसी कंपनी में एग्जाम्पल के लिए जॉब कर रहे हैं और आपके अंडर 10 लोगों की भी अगर टीम है, तो अपनी टीम को मोटिवेट रखने की और टीम से काम करवाने की कला आपके अंदर नेटवर्क मार्केटिंग के अलग अलग प्रोग्राम, ट्रेनिंग और सेमिनार से विकसित हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं एक्सपर्ट इन ह्यूमन साइकोलॉजी। इस इंडस्ट्री में आने का एक और जो बहुत बड़ा बेनिफिट है, वो ये है कि आप ह्यूमन साइकोलॉजी समझने लगते हैं, और यह हमारी जिंदगी की सच में एक बहुत बड़ी विजय होती है कि आपको लोगों की साइकोलॉजी समझ में आने लगती है और आप इस चीज में धीरे धीरे एक्सपर्ट होते चले जाते हैं। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद आप डेली बेसिस पर इतने अलग अलग लोगों से मिल चुके होते हो कि आपको लोगों से डील करने में मजा आने लगता है। क्योंकि अगर आप यहीं पर जॉब करेंगे आने वाले टाइम में, और वहां पर आपकी टीम में अलग अलग माइंडसेट के लोग होंगे, तो आपको उनको टैकल करने में इजी रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। दिखने में ये दो अक्षर जरूर हैं, लेकिन इसका मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। जब मैंने 2015 में अपनी बीटेक कंप्लीट करी थी, तब भी मेरे अंदर इतना साहस नहीं था कि मैं अपने आप को अच्छे से किसी के सामने प्रेजेंट कर पाऊँ। और ये मेरे साथ ही नहीं,
बहुत से स्टूडेंट्स के साथ होता है, लेकिन आज के टाइम में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की वजह से आलम यह है कि अपने आप को मैं कहीं भी अच्छे से प्रेजेंट कर सकता हूँ। आपके पहनावे में, आपके बोलने में वो सब चीज़ें झलकती हैं, इसलिए ही एक स्टूडेंट को नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, पब्लिक स्पीकिंग। इस इंडस्ट्री में आने का एक और फायदा क्या है कि आपके अंदर धीरे धीरे एक अच्छे पब्लिक स्पीकर वाले गुण आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इस इंडस्ट्री में रहने के बाद आपको कई बार स्टेज पर आकर बोलने को मिलता है, जो आप तो आपके अंदर से पब्लिक फेयर का डर निकल जाता है। और आपको पता ही होगा कि मौत के बाद अगर इंसान को किसी भी चीज़ से सबसे ज़्यादा डर लगता है तो वो है पब्लिक स्पीकिंग, लेकिन ये इंडस्ट्री आपके उस भय को भी दूर भगा देती है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, प्रेजेंटेशन इन वाइवा एंड प्रोजेक्ट। कई बार ये देखा गया है कि भले ही स्टूडेंट कितना भी अच्छा थ्योरेटिकल स्टडी कर ले, लेकिन कॉलेज वाइवा में उनको टीचर के सामने बोलने में घबराहट महसूस होती है, जो कि कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से होता है। एक और चीज जो है वो ये है कि जब भी आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उस प्रोजेक्ट को अपनी ही क्लास के बच्चों के सामने प्रेजेंट करते हुए या किसी कॉलेज फेस्ट में प्रेजेंट करते हुए आपके अंदर ही अंदर एक डर सताता है आपको, जो कि कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से होता है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आने के बाद आपका वो डर समाप्त हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको अपनी कंपनी का प्रोडक्ट या सर्विसेज डेली बेसिस पर एक एक इंसान को या फिर ग्रुप में सेमिनार में प्रेजेंट करना होता है, जो कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस विकसित कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू। ग्रुप डिस्कशन बेसिकली कॉलेजेस में इसलिए रखा जाता है क्योंकि कंपनीज को इंटरव्यू के लिए आए हुए 100% बच्चों में से 90% को बाहर करना होता है, क्योंकि कंपनी वाले 100% बच्चों का इंटरव्यू लेकर उनको फिल्टर नहीं करना चाहते, इसीलिए वो 90% बच्चों को ग्रुप डिस्कशन में बाहर कर देते हैं। अगर आपको ग्रुप डिस्कशन में सर्वाइव करना है तो आपको कॉलेज के साथ साथ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री जरूर ज्वाइन करनी चाहिए। पर्सनल इंटरव्यू में इंटरव्यूअर कुछ नहीं चाहता है, वो सिर्फ ये चाहता है कि जो स्टूडेंट उनके सामने इंटरव्यू देने के लिए बैठा हो कम से कम वो कॉन्फिडेंट हो, क्योंकि इंटरव्यूअर भी थक चुका होता है अपने सामने घबराते हुए बच्चों को आता हुआ देखकर। जिस भी स्टूडेंट में इंटरव्यूअर को कॉन्फिडेंस दिखता है वो उसको हायर कर लेते हैं, क्योंकि काम तो इंटरव्यूअर की टीम उस स्टूडेंट को सिखा ही देगी। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, ग्रोथ इन करियर। अगर आपको अपने करियर में फास्ट ग्रोथ चाहिए तो आपको अपनी कंपनी में अच्छा परफॉर्म करना होगा, और अच्छा परफॉर्म करने के लिए आपको तरीके पता होने चाहिए, जिसमें नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री आपकी बहुत हेल्प करती है। साथ साथ ये इंडस्ट्री आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को भी इम्प्रूव कर देती है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के इन बेनिफिट्स के साथ एक और फायदा ये है कि आप इन सब के साथ साथ इस इंडस्ट्री में पैसा भी कमा सकते हैं। लेकिन सबसे दुखद बात यह है कि हम सब ने बाकी सब चीज़ों को छोड़कर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को सिर्फ पैसा 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 और लग्जरी लाइफ बना दिया है, जो कि सही नहीं है, क्योंकि पैसा तो बाय प्रोडक्ट है इस इंडस्ट्री का। अगर आप ऊपर बताए हुए 10 फायदे अगर हमें मिलते हैं और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में अगर हम पैसे ना भी कमा पाए तो भी हमें अपने करियर में बहुत ही अच्छी ग्रोथ मिल सकती है। और अगर स्टूडेंट पैसा कमाता है तो उसको अपने खर्चों के लिए, अपनी पॉकेट मनी के लिए किसी पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक कीजिए, और सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी ही और भी बहुत सारी वीडियोज आप तक पहुँचती रहें। और अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग से संबंधित और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कीमती समय देने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा चाहता हूँ। अपना ध्यान रखिए, घर पर ही रहिए, कोरोना को देश से जल्दी भगाना है हमें। थैंक यू वेरी मच।